क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी मेरा नाम मनु भाई है, अभी मैं जा रही हूँ, आगी साहब बुला रही है। अत्या जी, ये कौन है? बहुत निर्भीक लड़की है। ऐसी ही वीर कन्या हमारे महाराज के जीवन में आ जाए। हे सर्वशक्तिमान, हमारी मदद कर, कोई चमत्कार दिखाओ और हमारे महाराज को मणिकर्णिका से मिलवा। हुजूर, आपकी इजाजत हो तो मंचन का ऐलान कर दिया जाए। अवश्य खुदाबख्श, हमारे अंग्रेज दोस्तों को भी आमंत्रित किया जाए, जो हमसे अधिक हमारी झांसी पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। बेशक हुजूर, आज रात ही उनको खबर दे दी जाएगी। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, कल बहु प्रतीक्षित नाटिका रमणी, जिसमें विश्वामित्र और मेनिका की भूमिका का वर्णन है, मंचित किया जाएगा। और मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मेनिका की भूमिका राजकुमारी श्वेतांबरा कर रही है और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की भूमिका स्वयं महाराज धीराज गंगाधर राव कर रहे हैं। महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की। इस प्रसंग में हजारों वर्ष पहले मेनका जीती थी और कल भी मेनका ही जीतेगी। तुम हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हो। पूरे जीवन हमने आप पे विश्वास किया और आज आप घात कर रहे हो। हे देवा, देवा, ऐसा सपना बार बार क्यों आ रहा है? कौन सा राजा इतने संकट में है जिसे उसकी अपनी हत्या करना चाहते हैं? कैसा सपना था ये? देवा, उस राजा की रक्षा करना।
तो मैंने सपने में देखा था। थक गए होगे ना? कहाँ से आए हो और यहीं क्यों? मुझसे ज्यादा उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। जाओ। इस समय हम साक्षात ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के दर्शन कर रहे हैं। गंगाधर राव को विश्वामित्र की भूमिका में मेनका दिखाई देगी, पर तुम्हें साक्षात यमराज की भूमिका निभानी है श्वेतांबरा। नरसिंह राव, यह अवश्य असाधारण भूमिका है, परंतु इससे पूर्व हमने कई चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। अवश्य महाराज, संभवतः झांसी की यही नियति है कि हमें इस अभूतपूर्व नाटक के द्वारा झांसी की महारानी मिल जाएगी। कितना अभूतपूर्व नाटक है ये, जिसमें झांसी की होने वाली महारानी अपने कर्णधार का अंत करने जा रही है। यही झांसी की नियति है श्वेतांबरा। एक बात याद रहे, एक सूक्ष्म गलती भी हम सब की मौत का कारण बन सकती है। जा देख, नाटक के समय जिस स्थान पर श्वेतांबरा और गंगाधर राव होंगे उनके बीच कोई व्यवधान उत्पन्न होने न पाए। जी महारानी साहिबा। हे भगवान, ये नाटक पूर्ण रूप से सफल है क्योंकि संभवतः झांसी का भविष्य इसी नाटक से जुड़ा हुआ है। मेरा सावर यार, कहाँ था तू? टीका, लगता है मेरा सावरिया किसी का संदेश लेके आया। महाराज, रंगमंच पूरी तरह से सज चुका है, बस आपकी प्रतीक्षा हो रही है। प्रणाम, दिखाइए जरा। शास्त्री जी नमस्कार। अरे मोरोपंत जी। जी नमस्कार। कहिए, सब कुशल मंगल तो है? हाँ, ईश्वर की कृपा है। आप ही के घर जा रहा था। हाँ, कहिए क्या आदेश है? आदेश नहीं शास्त्री जी, विनती कहिए। ये लीजिए। क्या है ये? श्रीमंत सरकार बाजीराव पेशवा की पुत्री इंदुबाई के विवाह के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम कानकुब्ज ब्राह्मणों को इतना सम्मान? कैसी बात कर रहे हैं शास्त्री जी, हम सब एक हैं, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, और एक बात,
ये लीजिए, मेरी पुत्री मनु की कुंडली आप ही ने बनाई थी, मैं इसे अब आप ही को सौंपता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा ही उसे योग्य वर प्राप्त होगा। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, हमें झांसी जाने के लिए घोड़ा गाड़ी कहां से मिलेगी? देखिए मान्यवर, झांसी जाने के लिए संध्या से पूर्व घोड़ा गाड़ी मिल पाना संभव नहीं है। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तब तक आप लोग हमारी कुटिया में चलकर विश्राम कर सकते हैं। चलिए आइए, आइए बोरोपन जी, आप भी आइए। आइए, चलिए आइए। ये लीजिए। धन्यवाद शास्त्री। मोरोपन जी। जी। आप भी जलपान ग्रहण करके जाइए। धन्यवाद, परंतु अब आज्ञा दीजिए, आप भी कभी हमारी कुटिया पर पधारिए ना, मेरी पुत्री झांसी के बारे में जानने के लिए सदैव उत्सुक रहती है। अवश्य, समय मिलेगा अवश्य आएंगे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। देखा भोपट कर दी, जिन खो जाते न पाएंगा गहरे पानी पर। अवश्य तात्या जी, आपका परिश्रम सफल हुआ, परंतु एक समस्या है। अब कैसी समस्या भोपट कर दी? हमें हमारी झांसी की महारानी मिल गई। तात्या जी, आपको मालूम नहीं, हमारे महाराज से श्रीमंत बाजीराव के संबंध ठीक नहीं, और आपने सुन लिया कि श्रीमंत बाजीराव इस कन्या को अपनी पुत्री से ज्यादा चाहते हैं। हो सकता है इस संबंध से बिगड़े हुए पुराने संबंध मधुर हो जाएं। हो सकता है। आइए। भाग्यम, अहो भाग्यम, पधारिए, आपका स्वागत है। आपने तो यहाँ आकर हमें कृतार्थ कर दिया है। यहाँ आना तो हमारी आवश्यकता थी, और फिर आपकी पुत्री भी तो झांसी के विषय में जानने को उत्सुक है। महोदय, पता नहीं क्या है उसके हृदय में, प्रश्नों की बौछार कर देती है, और झांसी के विषय में तो अति उत्साहित है। आइए। पता नहीं आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे मनु दीदी रुको तो। आइए आइए। आइए आइए। मोरोपन जी, यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेवक को भी आप जैसे महानुभाव का स्वागत करके अति प्रसन्नता हो रही है। मेरी पुत्री तो कहाँ है वो? भेंट कर आइए हमसे। जी हाँ, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। सेवक, मेहमानों के जलपान का प्रबंध करो। हीरा जी, मैं अभी आया।
तात्या जी, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि मणिकर्णिका की कुंडली इतनी प्रबल है कि हमारे महाराज के ग्रहों को प्रभावित कर सके? भूपटकर जी, झांसी का भाग्य है मणिकर्णिका। नर्तकी, तुमने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा कीजिएगा भगवान, इस उपवन से आती हुई सुगंध, भवरों की गुनगुन एवं मोम कलियों की गायन ने भी इस रमणी को इतना प्रभावित नहीं किया, परंतु आपसे अवतरित होते इस तेजस्वी आभा ने हमें इतना सम्मोहित किया कि हम अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं सके। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का परिणाम जानती हो? हे महाश्री, इस समस्त ब्रह्मांड में आप जैसा तेजस्वी, बलिष्ठ एवं पौरुषयुक्त पुरुष नहीं देखा। तू चली जा यहाँ से, अन्यथा मैं अपने तप के तेज से तुम्हें यही भस्म कर दूंगा। हे भगवान, क्या मेरा ये अद्वितीय मादक यौवन भी आपको आकर्षित करने में असफल रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे जीवन का क्या अर्थ जिसमें स्त्री होने का सुख प्राप्त ना। वही है मनु। मनु? हाँ, जिससे गंगा घाट में भेंट हुई थी। सदा सुखी रहो।